हरिद्वार में कांवड़ मेला 2023 शुरू हो चुका है। ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात होंगे, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। इस बार कांवड़ यात्रा पहले से भी ज्यादा से भक्तों के साथ शुरू हुई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। विद्युत व्यवस्था, सफाई व्यवस्था या कांवड़ पटरी मार्ग, इन सभी को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। लोक निर्माण विभाग हरिद्वार के अधिशासी अभियंता सुरेश तोमर ने बताया कि जो व्यवस्थाएं पिछली बार अधूरी रह गई थी, उनको भी समय से पहले पूरा कर लिया गया है। इसमें हिल बाईपास मार्ग बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि जिस समय कांवड़ अपने चरम पर होती है तो इस मार्ग का विशेष महत्व हो जाता है, जिससे कि स्थानीय लोगों और शिव भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारी कांवड़ यात्रा 2023 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पूरी निष्ठा के साथ पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। से जो जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा जो है विभाग के लिए जो काम दिए गए थे या विभागीय अपने काम थे, वो जो है हमने कांवड़ से पहले पूरे कर लिए, जिसमें विशेष रूप से जो कांवड़ पटरी का जो क्षेत्र था, हमारे पास जो लंबाई थी उनमें जो पैचलेस करना था, पावर और पटरी का रिपेयर करना था, वो हम लोगों ने समय से उसको कर लिया गया है। हिल बाईपास को खोलने के लिए भी अनुमति अनुमन्य की गई थी, उसको भी हमारे द्वारा जो है खोल दिया गया है यातायात के लिए। प्रशासन जब भी चाहेगा उसमें यातायात चला सकता है मेले के दृष्टिगत, और अन्य जो विभाग को जो दायित्व दिए गए थे उसमें विशेषकर टेंट लगाने का था या बैरिकेडिंग का था, वो काम भी हमारे द्वारा जो है समय से किया जा चुका है। और अभी जैसे जैसे भी मेले को सफल संचालन के लिए जो भी निर्देश आ रहे हैं उस हिसाब से किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो है मेला दिव्य और भव्य होगा, और इसी आशा के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होगा।